अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं जी एक्सरसाइज 4.9। तो 4.9 एक्सरसाइज में जो है हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन का। मैं आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्यूशन हम कैलकुलेट। तो देखिए, वन और टू हमारे पास इक्वेशंस हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी, ये जो इक्वेशन वन है हम इसको जो है इस तरह से लिख सकते हैं, टू एक्स पावर टू माइनस थ्री वाई स्क्वायर हो गया। अब इक्वेशन थ्री और टू को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन थ्री और सॉल्व को इस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम इनके कोफिशिएंट जो है, यानी एक वेरिएबल में हम इस इक्वेशन को ले जाएंगे। तो क्या करते हैं, हम एक्स को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो एक्स को जब कैंसिल करेंगे तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें इक्वेशन थ्री जो है हमारी, इक्वेशन थ्री को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ जी, थ्री के साथ। और फिर इसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन टू को, इसके साथ भी हमें कुछ मल्टीप्लाई करना होगा। ये कुछ क्या मल्टीप्लाई करना होगा, टू मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हम ये देखते हैं जी, इक्वेशन थ्री को जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा सिक्स एक्स पावर टू माइनस नाइन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 18। इसमें से माइनस करेंगे क्या बोला, इक्वेशन टू, पहले उसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो ये हो जाएगा जी सिक्स एक्स पावर टू माइनस फाइव वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। तो ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गया। अच्छा, अब इनको हमने माइनस करना है जी, इनको साइन चेंज करके, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास नाइन वाई स्क्वायर प्लस फाइव वाई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा जी, माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये जो है आपके पास 4 आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा, अब जो है सॉरी, यहाँ पे एक और जो है, देखते हैं जरा, ये हम मिस्टेक कर रहे हैं। ये जरा देख लीजिए, इसको यहाँ पे टू मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, इक्वेशन टू के साथ, तो फाइव के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ये 10 हो जाएगा। यहाँ आपके पास वाई वाई स्केयर आ जाएगा, वाई स्केयर इक्वल टू 4 के बराबर। तो दोनों साइड पे स्केयर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, तो वाई का सॉल्यूशन किस बराबर आ जाएगा, प्लस माइनस 2 के बराबर। अब आपके पास वाई के ये दो वैल्यू, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम एक्स का जो है सॉल्यूशन पुट करते हैं जी, ये वाई का सॉल्यूशन जो है पुट कर देते हैं जी। ये कहाँ पे पुट करते हैं जी, पुट वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 इन इक्वेशन वन, इक्वेशन थ्री, इक्वेशन थ्री में पुट करते हैं। तो इक्वेशन थ्री में पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, वाई की जगह पुट करते हैं प्लस माइनस टू, और इसका स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्स, टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इन टू। अब देखें, टू प्लस कर लेंगे तो उसका स्क्वेयर जो है वो 4 के बराबर आ जाएगा, माइनस टू लेंगे और उसका भी स्क्वेयर 4 के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 4 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से देखेंगे, टू एक्स स्क्वेयर माइनस 12 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 6 प्लस 12 एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये 18 हो जाएगा। टू भी इसके साथ मल्टीप्लाई, और टू से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा 9 के बराबर। और हमारे पास एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी जी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के बराबर जो है हमारा सोल्यूशन आ गया जी। ठीक हो गया। तो अब जो है हम इसको, तो ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 आ गया। तो एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज हमारे पास ये आ गई, मीन्स कि हमने सॉल्यूशंस अपने कैलकुलेट कर लिए। तो अच्छा, अब जो है हम एक और एग्जांपल जो है करते हैं इसी टाइप की, इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं जी एक्सरसाइज का। तो देखें जी, क्वेश्चन 3 है, इसको करते हैं जी, टू एक्स, टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8 इज इक्वल टू 5 वाई स्क्वेयर। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको कोई इक्वेशन नाम दे देते हैं 1। और हमारे पास दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 13 इज इक्वल टू माइनस 2 वाई स्क्वेयर, इसको हम। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं जी, पहले हम इन इक्वेशन को थोड़ा जो है
सिंप्लीफाई करते हैं जी, तो हमें इनसे क्या मिल जाएगा जी, इक्वेशन में वन और टू को सिंप्लीफाई करते हैं जी। इक्वेशन वन से हमें ये मिल जाएगा टू स्केयर माइनस फाइव वाई स्केयर इज इक्वल टू एट, ये इक्वेशन हम थ्री नाम दे देते हैं इसको। और इस तरह से हम इक्वेशन टू की बात करें तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्केयर माइनस प्लस टू वाई, ये टू वाई माइनस का राइट साइड पे इसको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, और 13 जो राइट साइड पे जाएगा ये प्लस हो जाएगा इसको इक्वेशन। अब हमें करना क्या है जी, इक्वेशन थ्री और इक्वेशन फोर जो है इनको सिंप्लीफाई करना है, इनको सॉल्व आउट करना है। तो इसको देख लेते हैं जी हमें क्या जो है सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है जी, हमारी जो इक्वेशन है ये वाली जो है कहने के जो इक्वेशन फोर है इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी। ठीक है, किस तरह से करते हैं जी, हम इसको इक्वेशन फोर को टू से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन थ्री में से माइनस करेंगे, क्या बोला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारे पास है जी इक्वेशन थ्री है, इसमें से हम माइनस करेंगे इक्वेशन फोर को टू से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो देखें जी, इक्वेशन टू एक्स पावर टू माइनस फाइव एक्स वाई पावर टू इज इक्वल टू एट। अब इक्वेशन फोर को हम टू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, टू एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26 आ जाएगा। और अब इसको माइनस करते हैं, माइनस किया ये साइन चेंज हो जाएंगे, टू एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर से कैंसिल, और ये लेफ्ट साइड पे माइनस नाइन वाई स्क्वायर आ जाएगा, राइट साइड पे जो है ये माइनस का आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा 18। तो अब जो है दोनों साइड को हम नाइन से डिवाइड करेंगे, माइनस नाइन से डिवाइड करेंगे, तो वाई स्क्वायर का सोल्यूशन हमारे पास क्या आ जाएगा जी, टू के बराबर। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि y हमारे पास आ गई प्लस माइनस अंडर रूट टू के बराबर। अब ये वैल्यू जो है जो हमारे पास y की आई है ये पुट कर देते हैं, इक्वेशन थ्री में जो है हम इस पुट करते हैं y की वैल्यू। तो इक्वेशन थ्री हमारे पास है टू वाई टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इनटू प्लस माइनस टू अंडर रूट स्क्वायर इज इक्वल टू एट। और अब इसको हम यहां से सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, तो देखिए जी माइनस और प्लस वैल्यू लें अंडर रूट के साथ तो स्क्वायर जो इसको प्लस कर देगा, और टू का अंडर रूट है तो ये स्क्वायर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, मींस यहां पे टू आ जाएगा राइट साइड हमारे के बराबर, टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन इज इक्वल टू एट। तो टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा जी टेन जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, एट में एड होगा तो ये 18 हो जाएगा। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू वो 9 के बराबर आ जाएगी जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 2 से डिवाइड। अच्छा, तो हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर 9 के बराबर आ गया, जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 3 के बराबर आ जाएगी। तो ये हमारा जो है एक और सिंपल क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। अच्छा, इसके बाद देखिए जी एक और हम जो है क्वेश्चन इस टाइप का करते हैं जिसमें इससे थोड़ा डिफरेंट जो है वो टेक्निक होगी। तो एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन एक्सरसाइज 7 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और दूसरी क्वेश्चन जो है इसको हम क्वेश्चन 1 का नाम देते हैं और एक्स वाई इज इक्वल टू हमारे पास जी 15, इसको हम क्वेश्चन 2 का नाम देते हैं जी। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। तो देखें हम इक्वेशन 2 से जो है इक्वेशन 2 से क्या करते हैं जी y की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो y किसके बराबर आ जाएगा जी 15 ओवर x के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास जो है किसकी वैल्यू आ गई जी, ये 15 ओवर x, ये हमारे पास इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं।
अब ये जो y की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, जो पुट y इज इक्वल टू 15 ओवर x इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा जी, x स्क्वायर माइनस y करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 15 ओवर x पावर 2 और इक्वल टू ये हो जाएगा जी 16, तो सिंपलीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 15 का जो है स्क्वायर 225 के बराबर आ जाएगा, इसमें से x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 16। इस इक्वेशन को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 2 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी x पावर 4 माइनस 225 इक्वल टू 16x स्क्वायर। ये पूरी इक्वेशन को हमने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म को। तो अब हम इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं जी, x पावर 4 माइनस 16x पावर 2 माइनस 225 इक्वल टू 0, राइट साइड पे जो वैल्यू थी इसको हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं जी, इसके फैक्टर बनाते हैं जी, x पावर 2 होल पावर 2 माइनस इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये ना भी लिखें तो इसका कोई इशू नहीं है, हम अगर इसको x पावर 4 ही लिखा रहने दें और इसके बाद माइनस 16 को हम लिख सकते हैं जी, क्या वाला 16 को हम जो है 9x स्क्वायर माइनस ये प्लस का 9 और माइनस 25x स्क्वायर फिर नेक्स्ट माइनस 225 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टू वैल्यू से x स्क्वायर का मान ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 और लास्ट टू वैल्यू से हम अगर 25 को कॉमन ले लें तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर आपके पास है, x स्क्वायर माइनस 25 और दूसरा जो है x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखें x स्क्वायर माइनस 25 इक्वल टू 0 और दूसरा जो है 9 x स्क्वायर इज इक्वल टू 25, x की वैल्यू यहां से प्लस 5 आ जाएगी, दूसरी वैल्यू जो है x स्क्वायर की, x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी जी, प्लस माइनस 3 आयोटा के बराबर, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का रूल लेंगे तो वो फिर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर सॉल्यूशन आ जाएगा। अच्छा अब हम जो है इसको फर्दर जो है सॉल्व करेंगे y के लिए, तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है जी, पुट करेंगे जी क्या बोला, x की वैल्यू, x की हमारे पास एक वैल्यू जो है पॉजिटिव, दो वैल्यूज पॉजिटिव हैं दो नेगेटिव, तो कौन कौन सी जी, x की एक वैल्यू जो है हम मेंशन कर देते हैं जी, हमारे पास x की एक वैल्यू जो है क्या है जी, 5 के बराबर है और इधर जो है x की एक वैल्यू जो है आयोटा के बराबर है, आयोटा के बराबर है। तो अब हमें फाइंड करना है जी y, तो y फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन हमारे पास 3 है, इक्वेशन 3 में हम क्या पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू तो हमें y मिल सकती है, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा हमें, देखें जी पुट x इज इक्वल टू 5 इन 3, तो y जो हमारे पास कितना आ जाएगा 15 ओवर 5 इज इक्वल टू 3, और फिर हम क्या करते हैं पुट करते हैं जी x की वैल्यू अपना क्वेश्चन जो है करते हैं जी, पुट x इज इक्वल टू 3 आयोटा इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट करने के हमारे पास क्या आ जाएगा जी, y इज इक्वल टू 15 ओवर 3 आयोटा, तो इसका सॉल्यूशन हम लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 5 ओवर आयोटा, तो देखें जी 5 ओवर आयोटा को हम आयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी कर देंगे, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 5 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर
or 5 iota, 5 iota over iota square जो है वो minus one के बराबर होता है, तो minus one को divide करेंगे तो ये हमारे पास minus five over iota solution. अच्छा, अब हम क्या करते हैं, put करते हैं, put x is equal to minus three iota in three equation, तो इससे हमें जो हमारा solution मिलेगा y is equal to minus three iota, और इसी तरह से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 5 ओवर माइनस 5 ओवर आयोटा आ जाएगा. ठीक है, 5 ओवर आयोटा, और इसको डिवाइड करेंगे. ठीक है, जो लास्ट हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें 5 ओवर आयोटा, क्योंकि हमारा सॉल्यूशन ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, इन स्टैंडर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में नहीं है, इसको माइनस 5 ओवर आयोटा इसके साथ माइनस ये आ जाएगा, और माइनस 5 आयोटा ओवर ये नीचे जो है ये प्लस है, सॉरी ये नीचे जो है डिनोमिनेटर में हम इसको ये प्लस हम ये हमारे पास जो है ये प्लस आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह जो है हम क्या पुट कर देंगे, माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन, माइनस वन से कैंसिल हो जाएगा, तो वाई का जो सोल्यूशन आएगा ये हमारे पास जो है डिफरेंट वैल्यूज जो है एक्स और वाई की आ गई है, तो हम जो है इसको यहाँ तक जो है रखते हैं जी. अल्लाह हाफिज़.